हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये डिज़ाइन जो है, ये बाजू पर का डिज़ाइन है, बनाकर दिखाऊंगी। इसका हमने नेकलाइन डिज़ाइन बनाया हुआ है और इसके बाजू पर का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसे बनाना। नेकलाइन डिज़ाइन आप मेरे चैनल में जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, ये डिज़ाइन हमने इतना बना लिया है, थोड़ा सा रखा है अपने आपको बताने के लिए। और देखिए, ये यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया है, ये बाजू दोनों बाजू हैं जिसके कपड़े को हमने देखिए इस तरह से यहाँ ज्वाइंट कर दिया है, जिससे कि दोनों दोनों तरफ का वर्क जो है एक साथ में बन जाए, इसीलिए हमने इसे ज्वाइंट किया हुआ है। तो ये है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अभी से बनाना। तो इसके लिए यहाँ से अपने नील को निकालेंगे। ये 5 स्क्वायर बूटा है, काफ़ी आसान बूटा होता है मगर देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। आप देख सकते हैं बना है तो कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो यहाँ इस कॉर्नर से हमने अपने नीडल को, धागे को निकाल लिया। उसके बाद इस कॉर्नर में इस तरह से ट्रायंगल बनाते हुए ये ले लिए। यहाँ के बाद हमें इस कॉर्नर आना है, इस कॉर्नर में भी हम अपने धागे को इसी तरह से, यहाँ पे मेरा धागा ऊपर रहेगा। इसमें जितने भी कॉर्नर होते हैं फ्रेंड्स, सभी के धागे ऊपर ऊपर ही रहते हैं। ये ऊपर, यहाँ भी ये धागा ऊपर, और यहाँ पे ये जो लंबा वाला धागा रहता है उसके हमें नीचे हो जाना रहता है। फिर अब ये तीनों कॉर्नर भी ऊपर ऊपर ही चलेंगे, ऊपर। यहाँ पे भी ऊपर, यहाँ पे नीचे हो जाएंगे। ऊपर यहाँ भी ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर, यहाँ नीचे हो जाएंगे। यहाँ पे मेरा धागा ऊपर रहेगा। फिर यहाँ इस कॉर्नर को ले लेते हैं और फिर अब इसके नीचे से निकल जाएंगे। नीचे जाकर फिर अब यहीं पे से निकलेंगे और यहाँ पे ये जो धागा है इसके नीचे से हम फर्स्ट धागे के नीचे से निकलेंगे कॉर्नर, फिर यहाँ फर्स्ट धागा, फिर यहाँ फर्स्ट धागा, फिर यहाँ फर्स्ट धागे के नीचे से निकले, फिर यहाँ कॉर्नर है, फिर ये फर्स्ट धागा, कॉर्नर, फिर ये फर्स्ट धागा, यहाँ कॉर्नर। थोड़ा फ्रेम घुमा लेंगे अपनी ओर। अब यहाँ पे हमारे धागे इस बॉक्स में 4 हैं, तो फर्स्ट को लेंगे, सेकंड छोड़ देंगे और थर्ड को ले लेंगे अपने नीडल पे। तो इस तरह से ये एक बॉक्स कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ फर्स्ट धागे के नीचे से यहाँ भी फर्स्ट धागा। तो इसी तरह से फ्रेंड, जैसे जिस तरह से इस बॉक्स को फिल किए उसी तरह से हमें इन दोनों बॉक्स को भी फिल कर लेना है। अब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड धागे को ले लिए नीडल पे, फिर यहाँ फर्स्ट और यहाँ थर्ड, फिर ये फर्स्ट धागा। अब ये वर्क कंप्लीट होने जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ कॉर्नर, यहाँ पे फिर अब हमारे 4 धागे हो गए। तो फर्स्ट और थर्ड को ले लिए,
यहाँ इस कॉर्नर से निकले और इस वर्क की खासियत है जहाँ से ये शुरू होता है वहीं पे आके ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आके नीचे जाकर अब ये टक हो जाएगा। ये ब्रांच है, इसे हम ग्रीन धागे से बना लेंगे। ये तीन धागे का हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें 6 स्ट्रैंड्स होते हैं एंकर धागे में, लेकिन मैं 3 का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह से जैसे ये बना, इसी तरह से ये दोनों भी लीफ बन जाएंगे। ये भी बैक स्टिच में ही आता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये हो गया। मैं थोड़ा और जो बाकी हैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, आप देख सकते हैं ये वर्क कंप्लीट हो गया है। तो यही है मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।